हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फ़ता क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो करने जा रहे हैं। यह एक आंसर की है, जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उसी का सॉल्यूशन वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा, 2 सेकंड का वक्त दूंगा, उसमें आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं फिर उसका जवाब बताऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन है और उसका 40 सॉल्यूशन है। तो पहला सवाल है मेरा, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आंसर बताएं फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, लख्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज बिस्मार्क। बिस्मार्क ने सबसे पहले रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज रूस। साम्यवादी शासन का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? चौथा सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, सितंबर 1905। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज नवंबर 1917। 1917 नवंबर को क्या होती? बोल्शेविक क्रांति। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, पांचवा सवाल, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था। छठा सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स, इसका जवाब बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1920, 1930, 1935, 1942। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1930। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था फ्रेंड्स, शुरू हुआ था। अगला सवाल है हमारा, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ज्योग्राफी से सवाल है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज झारखंड। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? झारखंड में है। आठवां सवाल है हमारा, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति की क्या बढ़ी थी? प्रवृत्ति बढ़ी थी। अगला सवाल हमारा देखते हैं फ्रेंड्स, नौवां नंबर सवाल, ये हमारा नौवां, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साफ देखने के लिए, आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, यह हमारा सवाल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का संस्था का उदय हुआ था। आपको फ्रेंड्स बताना है, एक सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, उसका डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और प्रथम विश्व युद्ध का भी डेट मेंशन करना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दसवां सवाल, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईश्वर क्या है, मुद्रण क्या है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ग्यारहवां नंबर सवाल है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता, मतदाता उसे कहते हैं जो वोट देता है, वोट देने जाता है इलेक्शन में,
तो मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज 18 वर्ष। जो भी 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, बालक या बालिका, वो वोट जा करके दे सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं। 12वां नंबर सवाल है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज संघीय और संसदीय। भारत में संसदीय प्रणाली भी है और संघीय प्रणाली भी है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। एंड द करेक्ट आंसर इज एकहरी शासन व्यवस्था। संघ का मतलब ही होता है फ्रेंड्स ग्रुप, ग्रुप बनना या फिर वर्ग में। जैसे कि हमारे देश भारत में राज्य सरकार भी चलता है और केंद्र सरकार भी चलता है, दोनों तरह की सरकार चलती है। तो एक ग्रुप में बटा हुआ है, केंद्र अलग है, राज्य अलग है, तो एक ऐसी शासन व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का कौन उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड, यूनाइटेड शब्द का मतलब ही होता है इकट्ठा होना, संघ बनाना, ग्रुप करना। तो ये क्या है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। अगला सवाल है 15वां नंबर सवाल, भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार, सॉरी भारत नहीं है, बिहार है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे एक और सवाल बनता है फ्रेंड्स, पटना हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना के हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, पटना के एयरपोर्ट का क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें कि पटना के एयरपोर्ट का क्या नाम है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित, ये जो मुद्दा दिया हुआ, चार मुद्दा, इसमें किस पर सफलता पाई है लोकतांत्रिक ने? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज लोगों के बीच टकराव को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, कम कर दिया, समाप्त तो नहीं किया है, कम कर दिया है यहाँ पर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्चुअली इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे 2-3 आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है, बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 17वां नंबर सवाल, निम्नलिखित निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ये अनुरूप नहीं है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि अनुरूप नहीं है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। एंड द करेक्ट आंसर इज बहुसंख्यकों का शासन। जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे शासन किसका होता है, जनता का शासन होता है। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड्स 18वां नंबर सवाल, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता कहाँ निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाइयों पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों में की रक्षा पर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिक अपने समझबूझ से जो भागीदारी निभाते हैं उसी पे लोकतंत्र पूरा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला सवाल 19वां नंबर सवाल, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम क्या है? मतलब उसका अपोजिट रिएक्शन क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगावाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अलगावाद। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 20वां नंबर सवाल, कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, वैसा संसाधन है जो ख़त्म हो जाएगा सीमित मात्रा में, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी हम जितना भी यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स 21वां नंबर सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से भारत में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है।
22 नंबर सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी होती है? 55, 60, 65, 70। बहुत आसान सवाल है, कर जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या हो करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज 65%। अगला सवाल 23 नंबर सवाल, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाता है, मगरमच्छ, डॉल्फिन, वेल, कछुआ, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉल्फिन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स मगरमच्छ को लेकर के, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, डॉल्फिन ही होगा। मगरमच्छ श्रीलंका में भी पाया जाता है, ईरान, इराक में भी पाया जाता है, बांग्लादेश में भी पाया जाता है। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा, यस्क, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बहुत आसान है, एंड द करेक्ट आंसर इज चूना पत्थर। ये यहाँ एक केमिस्ट्री साइंस से सवाल है फ्रेंड्स, चूना पत्थर का आप रासायनिक सूत्र बताएं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल हमारा फ्रेंड्स 25 नंबर सवाल, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। 2018 से छत्तीसगढ़ ने क्या कौन क्या बन गया है, भारत का प्रमुख उत्पादक, कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। सेकेंड नंबर पर झारखंड आता है जो बिहार से अलग हुआ है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स क्या है, छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है कौन सा है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, या विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज टिस्को, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। तो ये हमारा अगला सवाल फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज सड़क मार्ग से, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड कि स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या, नहीं मैं ही बता देता हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज एक ऐसा रोड है फ्रेंड जो भारत के चार बड़े शहरों को जोड़ता है, बेंगलोर को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है और मुंबई को जोड़ता है। इन चार शहर को जोड़ने वाला जो रोड है वो क्या कहलाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी में, छपरा में, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज वाल्मीकि नगर। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल, कांट के ताबे विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ये सारे ज़िला बिहार के ज़िला हैं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। अगला सवाल है 30 नंबर, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज जमालपुर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे का सवाल। अगला सवाल है हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या हो करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप आने से क्या होता है, सुनामी आता है। सुखार क्या है, ये हमारा अगला सवाल, सुखार क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज प्राकृतिक आपदा, सुखार एक प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है, भूस्खलन है क्या है? भूस्खलन, भूस्खलन मिट्टी का कटाव होता है फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। 34 नंबर सवाल, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, महासागर में, समुद्र, ओशियंस में क्या होता है, उसके तल में कंपन होता है, इसका क्या परिणाम है? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज सुनामी। जैसे ही महासागर के तल में कंपन होता है तो वहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, सुनामी उठता है। तो ये हमारा अगला सवाल 35 नंबर सवाल, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग है कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज टी तरंग। पी तरंग को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, तो ये प्राइमरी वेव्स है इसलिए पी तरंग कहते हैं। अगला सवाल है, सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे? स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज समुद्र से, सुनामी का संबंध किससे? समुद्र से। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स 37 नंबर सवाल, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज संसाधन की खोज के लिए,
रिमोट सेंसिंग उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर, इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? वो कौन सा शहर है जो सर्वाधिक संवेदनशील है भूकंप के लिए? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज देहरादून। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 39 नंबर सवाल, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स, बीमारू राज किसे कहा जाता है? बीमारू राज, कौन कौन से राज्य हैं जो बीमारी राज्य हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करें इसका आप। हम अगला सवाल देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राकृतिक प्राथमिक कृषि साख समिति? इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज भूमि विकास बैंक, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज सेवा क्षेत्र। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि प्रथम क्षेत्र कौन सा है, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण? इनमें से सभी सभी को क्या? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में भारत ने उदारीकरण भी, निजीकरण भी और वैश्वीकरण तीनों को अपनाया। कमेंट सेक्शन में आप बताना है फ्रेंड्स कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत ने कब अपनाया? उस सन बताना है आपको, किस वर्ष अपनाया भारत ने? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया? इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है फ्रेंड्स, 1 लाख के लिए 100 रुपये लगता है, और 5 लाख के लिए 200 रुपये लगता है, 10 लाख के लिए 400 लगता है। इस तरह से पूरा चार्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, तो इनमें से कोई भी नहीं, 50, 70, 10 कुछ नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5, 4? क्या होगा फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट आंसर इज वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। अगला सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज मॉल सेवा, एक गैर सरकारी सेवा है। और ये फ्रेंड्स हमारा आखिरी सवाल, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर? एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई। भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। यहाँ से बहुत सारा पैसा आता है भारत सरकार को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 48 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये 2020 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा जाने, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। हमने प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहें, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।